Hey guys, this is me, Robbie here, and I'm back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारे व्लॉगिंग चैनल है बाजीगैंग राबिया नाज़िम व्लॉग्स, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। गाइस मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, विराट कोहली वर्सेज बाबर आजम स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल राजपूत। एज यू गाइस नो के पाकिस्तान जो है वो कल इंडिया से मैच जो है वो हार चुका है। कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड वी आर रियली सैड कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। एंड पाकिस्तान ने एफर्ट तो की लेकिन वो एफर्ट जो है फ्रूटफुल नहीं रही क्योंकि एट द एंड उन्होंने मैच नहीं जितवाया और जब बारी आई बैटिंग की तो वो चीज़ नहीं कर पाए। एज़ यूजल यही होता है, वी वर रियली डिसअपॉइंटेड बाय द परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में बॉलर्स ने बहुत अच्छा प्ले किया लेकिन बैट्समैन कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए जिसकी वजह से जो मैच वो हाथ से निकल गया, जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। एनीवेज वो तो एक अलग चीज़। अब बात करते हैं विराट कोहली और बाबर आजम की स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर, तो ये राहुल राजपूत हैं उनकी स्टैंड अप कॉमेडी है, देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। पेरेंट्स हो या कोई भी रिलेटिव ना तुरंत कंपेयर कर देते हैं कि उसका बच्चा देखो कितना होनहार है, ये मतलब ऐसे जब करते हैं ना तो मेरा दिल दुख जाता है क्योंकि सबके अपने अपने टैलेंट है यार। हर बच्चा पढ़ नहीं सकता, जैसे मैं था, मैं वक्त बर्बाद करता था। मैंने साफ कह दिया था कि पापा मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, पर वो कहते थे नहीं तुझे पढ़ाऊंगा क्योंकि बिना एजुकेशन की जिंदगी मैंने देखी है, और जो सही बात थी यार। पर देखो मैंने कहा था कि नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थी, मैं मानता हूं आप नहीं पढ़ पाए, पर आप क्यों नहीं समझते कि आप में टैलेंट ही नहीं था क्योंकि वही जेनेटिक मेरे अंदर भी आया है। मेरा भी मन ही नहीं करता पढ़ने का तो मैं क्यों ही पढ़ूं। मैंने बहुत मना करा पर उन्होंने कहा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पैसे बर्बाद कर दिए। बाद में कह रहे थे कि उन्हीं पैसों का प्लॉट ले लेता तो जिंदगी भर बैठ के खाता। मैंने कहा गलतियों से सीखो, बच्चा कह रहा है तो समझो। लेकिन यार देखा है हर चीज में ना कंपैरिजन करने लगते हैं। लाइक अभी देख लो जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई मैसी को बता रहा है हीरो, कोई रोनाल्डो को हीरो बता रहा। हाँ लड़ाई तक हो रही है भाई, और पता नहीं थोड़े बहुत एजुकेशन मिल गए हैं ना लोगों को, अब हमें भी मजा आ रहा है फुटबॉल देखने में क्योंकि उम्र हो गई है ना फुटबॉल पे फोकस करने की, तो इसलिए फुटबॉल में मजा आने लगा है। और मैं ना देखो मैं ऐसा कोई फैन नहीं था, मेरे सामने जो बोल दे ना किसी की तारीफ कर दे तो मुझे पता नहीं क्यों नफरत हो जाती है, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो। हाँ मैं अपने आप को हीरो मानता हूं, मानना चाहिए, अपने आप को ही कम मानेंगे तो दूसरा क्या ही रिस्पेक्ट देगा। तो मैं अपनी खूब तारीफ करता था, अपने आप को हीरो ही समझता था। तो वो मैसी की तारीफ करने लगा कि मैसी ये है मैसी वो है, तो मैंने उसके सामने कंपटीशन में रख दिया रोनाल्डो उससे ज्यादा गोल मार के बैठा है और दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर रोनाल्डो के हैं। और ये जो बात जब लगती है ना, जब आंकड़ों में जीत जाते हो ना आप, तो अगला चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि प्यार करता था ना मैसी से, और मैं तो प्यार नहीं करता था क्योंकि मैं फुटबॉल का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि समझ तो अब आया है, अब देख रहा हूं तो धीरे धीरे समझूंगा अच्छा ये भी खेलता है अच्छा ऐसे। मैं तो कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूं यार जब बहुत तेज शॉट ले लेता है ना गोल से अलग, एकदम जो आसमान में नहीं मार देता बहुत तेज, गोल से दूर, तो मुझे लगता वाह क्या शॉट है। हाँ मैंने कहा ये नेट में क्यों मार रहे हैं इतना जब ताकत है इसमें, क्योंकि मैं क्रिकेटर वाला बंदा हूं ना भाई, क्रिकेट में जब खूब लंबा छक्का मारते हैं वहां कोई ऐसा गोल वाला सीन नहीं है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो नेट ही गोल है बेटा, उसी में करेंगे तभी सक्सेस होगा, चाहे कितना भी शॉट मार ले चूतिया ही कहलाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैं भिड़ गया, मैंने कहा रोनाल्डो देख ले आंकड़ा देख ले, इंस्टा फॉलोअर मिला ले। तो कहता है मैसी डेली पोस्ट नहीं करता इसलिए। मैंने कहा हाँ सही बात है, एक्सक्यूज दे दे जो मर्जी दे दे, पर जीत तो नहीं रहा है ना मैसी। फिर वो गुस्सा हो गया और उसने ना अलग ही टैलेंट बता दिया कि तुझे पता है कितनी दीवानी है लड़की, पागल है मैसी के पीछे, पागल है। उसकी शकल का एक बंदा था वो मैसी के नाम पे 50 लोगों के साथ सेक्स कर चुका था। मैंने कहा 50 लड़कियों की जिंदगी भी तो बर्बाद कर दी, वो निगेटिव नहीं देख रहा है, पॉजिटिविटी में इतना घुस गया कि निगेटिव चीज को भी अच्छाई में बता रहा है। मैंने कहा देख दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह। कहता दोनों नहीं है, मैसी बेस्ट है। वो भिड़ने लगा था, मैंने कहा मैं तो कोई फैन भी नहीं हूं, खामखा मारा जाऊंगा। मैं पीछे हट गया क्योंकि यार ये लोग ना सरफिरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जैसे देखा आपने अभी मैंने एक न्यूज भी देखा था, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन टकरा गए थे आपस में कि विराट बेस्ट है,
तो कोई कहता शर्मा जी का लौंडा बेस्ट है ना, और इस चक्कर में वो मतलब ज्यादा ही कुछ हो गया था, क्राइम ही हो गई, मतलब बंदे की जान ही चली गई। मैंने कहा वही याद आया, मैंने कहा बेटा तू लौटा क्योंकि तेरी बॉडी भी नहीं है, वो बाउंसर था। और हमेशा से कंपैरिजन होता रहा है, जैसे क्रिकेट में भी देख लो आप, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान ही घोषित कर दिया हम लोगों ने, उनका भी कंपैरिजन करते थे सर डॉन ब्रैडमैन के साथ कि ऐसे प्लेयर थे, वो भी महान प्लेयर थे, पर दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट थे, वो अपनी जगह बेस्ट थे, ये अपनी जगह बेस्ट है। हाँ यार इतना क्या लड़ना क्या है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपैरिजन मेरे को देखने में आती है ना, ये बाबर और विराट कोहली का, देखा आपने हद ही कर रखा है पाकिस्तानियों ने। ठीक है यार बाबर अच्छा प्लेयर है, मतलब प्लेयर से ज्यादा उनको खुशी इस बात की है कि कोई कैप्टन इंग्लिश बोल पा रहा है। हाँ उनकी यही प्रॉब्लम थी, एक बार याद है जब सरफराज अहमद वो कप्तान बने थे, विराट कोहली से पूछा इंग्लिश में, उनने पूरा जवाब दे दिया एक पैरा में, जब उससे पूछा तो कहता है सेम टू विराट, मतलब उसका इतना ही अंग्रेजी खत्म। हाँ कुछ भी दे दो सेम टू यू। हाँ उस मैं मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तानी प्लेयर क्योंकि अपने आप से रिलेट कर जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम भी हमारी तरह ही हो यार। देखो विराट से कंपैरिजन कर रहे हैं, नो डाउट यार बाबर में ठीक है टैलेंट है मानता हूं, लेकिन ये थोड़ी ना कि यार डायमंड का कंपैरिजन आप सीधा कोहिनूर से कर दोगे। यार विराट ब्रांड है अपना यार, है कि नहीं, देखा आपने कितने मतलब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली भाई 70 से अबव सेंचुरी हो गए हैं। हाँ 2-3 साल उसके वर्स्ट गए थे, उसके बाद भी एवरेज निकालोगे ना तो बाबर से बेटर है। और ये चीज मैंने एक बार सोशल मीडिया में एक मतलब फ्रेंड ही था उससे बातचीत कर रहा था और मैंने अपनी बात रखी, गुस्सा हो गया, कहता तुझे पता है बाबर दिल का कितना अच्छा है। मैंने कहा भूतनी का दिल दिखता किसका है और दिल से क्या कंपेयर कर रहा है। हाँ ये जितने भी चार्ट सीट मैच नहीं होते ना जो रिकॉर्ड, तो ये दिल को घुसा देते हैं। कहता बाबर जब से आया ना हमारे पाकिस्तान में एकदम पॉजिटिविटी और युवाओं में अलग ही जोश भर दिया है। मैंने कहा देख युवाओं को जोश मुझे पता है एक ही जगह से मिलता है, और अगर ऐसा कुछ है तो बाबर में दिक्कत है क्योंकि टैलेंट अपनी जगह, ये जो टैलेंट दिखा रहा है ना जोश भरने का, ये गलत है भैया, थोड़ा काम कर उस पे। कहता तू गलत सोचता है यार, तेरी सोच ही छोटी है। मैंने कहा हाँ हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, लेकिन तेरी बहुत बड़ी भी तो है। तूने सीधा कंपेयर करा तो विराट कोहली से। अबे वो जितना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के पैसे लेता है ना, बाबर पूरी जिंदगी में कमा रहा है, सालों खेलने के बाद उतना पैसा कमा रहा है वो। विराट एक पोस्ट डाल के उतना कमा लेता है, भैया तेरे पूरे देश की आबादी से ना ज्यादा उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, तो ऐसे तो कंपेयर मत कर मेरी जान। हाँ यार ठीक है आप कर रहे हो अच्छी बात है, ये बोल दो कि इस मैच में बेटर खेला, ओवरऑल करियर में ही बेटर बता रहा है। नहीं तो दोनों को बेस्ट बोल दो ना, बेस्ट बोल दो यार। ठीक है बाबर अपनी जगह सही है, विराट अपनी जगह सही है, पर यार मुझे कंपैरिजन करने वाले से नफरत रही है यार हमेशा। हर किसी में अलग टैलेंट है यार, जैसे तुम में देख लो, तुम में भी कोई ना कोई टैलेंट होगा ही। सो गाइज ये थी जी स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल राजपूत, इन्होंने लियोनेल मेस्सी और रोनाल्डो का भी कंपैरिजन, उसकी भी एक स्टोरी बताई है, एंड देन उसके बाद बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में भी ही वॉज टेलिंग। ठीक है दैट्स ट्रू, देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बाबर एंड विराट, बट बाबर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, अपनी जगह पर ही इज़ प्लेइंग डूइंग ग्रेट। ठीक है तो हम लोग कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि विराट का उससे ज़्यादा स्कोर है, विराट की उससे ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाबर, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बोथ आर डूइंग बेस्ट फॉर देयर टीम्स, वो अपनी जगह पर बेस्ट कर रहे हैं या अपनी जगह पर बेस्ट कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस ये थी स्टैंड अप कॉमेडी, एंड कॉमेडी के अंदर ही लिएगा, डोंट टेक इट पर्सनली गाइज, एज आई डिड नॉट टेक इट पर्सनली, ये सिर्फ मजाक था। एंड अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।